पीटर लिंच स्टॉक मार्केट की दुनिया में मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर में से एक ऐसा नाम है जिन्होंने 1977 से लेकर 1990 तक उनके फंड ने एवरेज 29.2% का रिटर्न दिया। इसका मतलब आप समझ रहे हो, हर तीसरे साल पे आपका पैसा डबल, और उन्होंने कंटिन्यू ये 13 ईयर तक किया। यह रियली में ऑसम था, क्योंकि एवरेज इन्वेस्टर 15 से 20% के ही अराउंड कंपाउंडिंग कर पाता है, मीन्स उसे लग जाएगा करीब 5 साल। उस हिसाब से इनका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा था। उस दौरान इन्होंने 18 मिलियन को 14 बिलियन में कन्वर्ट कर दिया, मीन्स 7 डिजिट को 10 डिजिट में कन्वर्ट कर दिया। रियली ऑसम था, क्योंकि एवरेज इन्वेस्टर को 1 से 2 डिजिट बढ़ाने में पसीने छूट जाते हैं। उस टाइम के मार्केट में इस तरह के रिटर्न लाना आम बात तो बिल्कुल भी नहीं थे। यह उनके आउटस्टैंडिंग माइंडसेट को दिखाता है, इसलिए इस वीडियो में उनके कुछ स्टेटमेंट, फिलॉसफी या कह लीजिए कोटेशन को हम देखेंगे। सो हाय गाइस, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त, और आप देख रहे हैं कॉमन इन्वेस्टर। आपने इस वीडियो पर अपना बहुत सारा प्यार दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो विदाउट डूइंग फर्दर डिले, वी विल स्टार्ट द सेशन। आप किसी भी शेयर में हवाबाजी करके कमिटेड नहीं रह सकते हैं कि इस शेयर से हमें प्यार करना है और इस शेयर को निकालना है। एक शेयर था गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, इसकी प्राइसिंग 2014-15 में अराउंड 400 के आसपास थी, और वही 2018-19 के आसपास इसकी प्राइसिंग करीब 900 के आसपास पहुंच गई थी। हालांकि उस समय उसका प्रॉफिट बढ़ रहा था, लेकिन 2019 के बाद लॉकडाउन तक उसके प्राइस में काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हुआ था, लेकिन उसके बाद उसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। खास बात यह है कि उसने अपने पुराने 2019 के प्रॉफिट लेवल को ही बीट नहीं किया। जो उसका 2019 का लेवल था उसको कब का क्रॉस कर चुका है। मेरे ख्याल से ये सिर्फ बुल मार्केट की ही देन है जिसके कारण ये भाग रहा है। शेयर्स में पैसे बनाने के की उसे डरना नहीं है, डर तभी लगता है जब आपकी स्टडी कंप्लीट नहीं होती है। स्टॉक में पैसे खोने में कोई शर्म नहीं है, हर कोई करता है। शर्मनाक बात यह है कि किसी शेयर को बनाए रखना, या इससे भी बदतर जब फंडामेंटल खराब हो रहे हों तो उसमें से अधिक खरीदना। मेरे ख्याल से यहाँ पे फिलिफिशर सर साइक्लिक बिजनेसेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे टर्न अराउंड होना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। मैं किसी ऐसे कंपनी में नहीं रुकता जिसके फंडामेंटल खराब हो रहे हों, कि हर स्टॉक के पीछे एक कंपनी ही होती है, इसलिए आइडेंटिफाई करें कि वह कंपनी क्या कर रही है। शेयर्स को ओन करना बच्चे पैदा करने जैसा है, क्योंकि उसे बच्चे जैसा संभालना पड़ता है, इसलिए उतना ही बाई करें जितना आप संभाल सकें। यदि आप किसी कंपनी का स्टडी नहीं करते हैं तो आपको स्टॉक खरीदने में उतनी ही सक्सेस मिलेगी जितनी आप पोकर गेम में अपने कार्ड को बिना देखे बेट लगाते हैं। मेरा भी मानना है कि किसी भी स्टॉक को सेलेक्ट करने से पहले उसकी स्टडी जरूरी है। एवरेज इन्वेस्टर अपने फील्ड में एक्सपर्ट बन सकते हैं, और वॉल स्ट्रीट के प्रोफेशनल के रूप में इफेक्टिवली विनिंग स्टॉक को थोड़ा सा रिसर्च करके पिक कर सकते हैं। अगर आप शेयरों में अच्छा प्रदर्शन करने की योजना बना रहे हैं तो आपकी अपनी प्रायोरिटी सीधी रखनी होगी। जो लोग जानना चाहते हैं कि किसी भी दिन शेयर्स का प्रदर्शन कैसा रहा, वे पूछते हैं कि डाओ या निफ्टी कहां पर बंद हुआ। मुझे इस बात में ज़्यादा इंटरेस्ट है कि कितने शेयर ऊपर गए और कितने शेयर नीचे गए, क्योंकि यही तेजी और मंदी का मोर रियलिस्टिक पिक्चर दिखाता है। जब आप सेक्टोरल इंडेक्स देखेंगे तब आपको इसका क्लियर कट जवाब मिल जाएगा। जब लोगों को पता चलता है कि वे बेसबॉल या हॉकी में अच्छे नहीं हैं तो वे अपने बैट और अपने स्केट को हटा देते हैं, और वे शौक से गोल्फ या स्टैम्प कलेक्शन या गार्डनिंग करते हैं। लेकिन जब लोगों को पता चलता है कि वे स्टॉक पिकिंग में अच्छे नहीं हैं तो वे इसे फिर भी कंटिन्यू करते हैं। अगर आपको उम्मीद है कि कल आपके पास आज की तुलना में अधिक पैसा होगा तो आपको अपनी संपत्ति का एक हिस्सा स्टॉक में रखना होगा, जल्दी या बाद में। स्टॉक या स्टॉक म्यूचुअल फंड का एक पोर्टफोलियो बॉन्ड या मनी मार्केट के फंड के पोर्टफोलियो की तुलना में बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाएगा। शेयर्स में निवेश करना एक आर्ट है, साइंस नहीं, और जिन लोगों को हर चीज़ को सख्ती से मापने के लिए ट्रेंड किया गया है उन्हें एक बड़ा नुकसान होता है। शेयर मार्केट में आपकी ज़रूरत का सारा गणित आपको चौथी क्लास में मिल जाता है। यदि आपके पोर्टफोलियो में सुनहरे अंडे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके पास इसके साथ कुछ सड़े अंडे हैं। मैं फैक्ट से निपटता हूँ, भविष्य की भविष्यवाणी नहीं करता। पैसा कमाने के लिए आपको कुछ ऐसा खोजना होता है जो कोई और नहीं जानता हो, या कुछ ऐसा जो दूसरे नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास कठोर मानसिकता नहीं है। केवल वही खरीदें जो आप समझते हैं, विश्वास करते हैं और साथ रखना चाहते हैं, तब भी जब दूसरे लोग अगले चमत्कार का पीछा कर रहे हों। सबसे बड़े विनर मेरे लिए आश्चर्यजनक हैं, क्योंकि बड़े रिजल्ट आने में महीनों नहीं बल्कि सालों लग जाते हैं। आपको यह जानना जरूरी है कि वह स्टॉक किन कारणों से अच्छा करता है और किन कारणों से खराब प्रदर्शन करता है। बड़ी कंपनियों की चाल छोटी होती है और छोटी कंपनियों की चाल बड़ी होती है।
हर कंपनी के साथ कुछ ना कुछ चिंता होती है, लेकिन सवाल यह है कि कौन सी चिंता वैध है और कौन सी नहीं। कंपनी की इनकम की पॉसिबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेटस, कंपटीटर स्टेटस एक्सेट्रा पर होमवर्क करने से पहले कंपनी में इन्वेस्ट ना करें। मार्केट में मंदी भी आ सकती है और बड़ी गिरावट भी। यदि आप ये नहीं समझते कि ये होने जा रहा है तो इसका मतलब है कि आप तैयार नहीं हैं, आप शेयर मार्केट में अच्छा नहीं कर रहे हैं। जब बाजार गिरने लगेगा तब अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके रिटर्न कमाया जा सकता है, लेकिन जब अखबार में न्यूज़ छपे कि आप खरीदें उस वक्त तक हो सकता हो बहुत देर हो चुकी हो। यदि आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं तो आपको सिंपल लैंग्वेज में यह एक्सप्लेन करने में सक्षम होना चाहिए और उसे एक फिफ्थ ग्रेड का बच्चा भी समझ सकता हो और जल्द ही वह उबे ना। यदि आपको कोई ऐसी कंपनी नहीं मिलती है जो आपको अट्रैक्टिव लगती हो तो अपना पैसा बैंक में तब तक रखें जब तक आपको कुछ मिल ना जाए। जैसे जैसे कॉरपोरेशन प्रॉफिट बढ़ाता है वैसे वैसे कंपनी मोर वैल्यूएबल हो जाती है और देर सवेर उसके शेयर्स भी अधिक कीमत पर बिकेंगे। टाइम आपके साइड में है जब आपके पास बेहतर कंपनीज के शेयर हैं। सबसे बुरी चीज़ जो आप कर सकते हैं वह है उन कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना जिनके बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं। अनफॉर्चुनेटली यह आज भी पॉपुलर है। कभी भी किसी ऐसे आईडिया में इन्वेस्ट ना करें जिसे आप सिंपली दिमाग में चित्रित नहीं कर सकते हैं। आप हर सुबह के अखबार में और रात के समाचार के ब्रॉडकास्ट में अपने शेयरों के खराब करने के अच्छे कारण पा सकते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए परफेक्ट सोल्यूशन है जो लोग अपना खुद का रिसर्च किए बिना स्टॉक को रखना चाहते हैं। जो जेंटलमैन बॉन्ड्स को प्रेफर करते हैं वो नहीं जानते कि वो क्या खो रहे हैं। लाइफ टाइम में सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग के लिए आपको केवल कुछ बड़े विनिंग शेयर्स की आवश्यकता है और वही उन काम ना करने वाले शेयर्स को सरपास करके पोर्टफोलियो को प्रॉफिटेबल बनाएंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इतना पॉपुलर हो गया है जिससे यह एडमिट करना आसान है कि आप एक क्रैक एडिक्ट हैं या एडमिट करने की तुलना में कि आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं। स्टोर पर विजिट करना और प्रोडक्ट को टेस्ट करना एनालिस्ट के जॉब का क्रिटिकल एलिमेंट में से एक है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट सभी को सबसे महत्वपूर्ण पाठ्यक्रमों में से एक को पढ़ाना भूल गए हैं जो है निवेश। लंबे समय में यह सिर्फ इतना ही नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हैं जो आपकी भविष्य की समृद्धि को निर्धारित करेगा, या उस पैसे का कितना हिस्सा है जिसे आप इसे सेव और इन्वेस्ट करके कमा लेते हैं। बिजनेस में प्रतिस्पर्धा कभी भी कुल वर्चस्व के रूप में स्वस्थ नहीं होता है। जाने कि आपके पास क्या अपना है और जाने कि आप इसके मालिक क्यों हैं। इस बिजनेस को समझने में यदि आप अच्छे हैं तब आप 10 बार में से 6 बार सही होंगे, आप कभी भी 10 बार में से 9 बार सही नहीं होंगे। लिंक पोर्टफोलियो में आमतौर पर बड़े विनर्स को खेलने में 3 से 10 साल लग जाते हैं। गोल्ड रश के दौरान अधिकांश खनिकों ने अपना पैसा खो दिया, लेकिन जिन लोगों ने उन्हें पिक, फावड़ा, तंबू और ब्लू जीन्स बेचे उन्हें अच्छा प्रॉफिट हुआ। कल्पना कीजिए कि अगर आपने बिना अनुमति के अपने माता पिता की कार उधार ली और उसे एक पेड़ से लटका दिया तो आपको कितना अच्छा लगेगा अगर आपको इसमें शामिल किया जाए। उसी तरह कंपनी के मैनेजमेंट किसी कंपनी को डुबा दें तो शेयर होल्डर्स को कैसा लगेगा। जो व्यक्ति सबसे अधिक बार चट्टानों को घुमाता है वह खेल को जीत जाता है और वह हमेशा मेरा दर्शन रहा है। यह बहुत अच्छा होगा यदि हम समय पर बाहर निकलने के साथ असफलताओं से बच सकें, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा कि उसकी भविष्यवाणी कैसे की जाए। इसका मतलब यह नहीं है कि अधिक मूल्य वाले बाजार जैसा कोई चीज़ नहीं है, लेकिन इसके बारे में चिंता करने की कोई बात नहीं है। नेचुरली बॉर्न इन्वेस्टर एक मिथ है, या जितना सिंपल है मुझे उतना ही अच्छा लगता है। लास्ट में यही कहूँगा, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, ग्रो करते रहिए। मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में।